पेश है आपके लिए कौआ और सांप की कहानी। एक पेड़ पर कौआ अपनी पत्नी कोवी के साथ घोंसला बनाकर रहता था। उस पेड़ के नीचे तने में एक बिल था जिसमें एक बड़ा सा दुष्ट सांप रहता था। एक बार कोवे की पत्नी ने 3 अंडे दिए। इस बात से कौआ और कोवी दोनों बहुत खुश हुए। अगले दिन जब कौआ भोजन की तलाश में पेड़ से दूर गया, तब दुष्ट सांप अपने बिल से बाहर निकला और कौए के घोंसले तक जा पहुंचा। वहां उसने अंडों के साथ कोवी को देखा तो उसने कहा कि वाह, आज तो तुमने मेरे खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन का इंतजाम कर दिया है। अब जल्दी से दूर हटो और मुझे अंडों का स्वाद लेने दो। यह सुनकर कोवी ने सांप से कहा, दुष्ट सांप, यह मेरे बच्चे हैं, चला जा यहां से, मैं तुझे इन्हें नहीं खाने दूंगी। तब सांप ने कहा, क्या कर लोगी तुम मेरा? यहां आज तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया है, तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह कहकर सांप ने देखते ही देखते कौए के सभी अंडों को खा लिया। शाम को कौआ जब अपने घर वापस आया तो कोवी ने रो रोकर कौए को सारी बात बताई। अब कौआ उस दुष्ट सांप को सबक सिखाने के लिए उपाय ढूंढने लगा। अगले दिन कौआ राजा के महल में जा पहुंचा। वहां उसने रानी के गले में बड़ा सा सोने का हार देखा। अब वो मौके का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद रानी स्नान करने के लिए जाती है और अपना सोने का हार भी उतार देती है। अब मौके का फायदा उठाकर कौआ उस सोने के हार को अपनी चोंच में उठाकर जाने लगा। यह नजारा जब रानी ने देखा तो वो जोर चिल्लाई, अरे कोई है? चोर चोर, देखो एक कौआ मेरा सोने का हार चुरा कर उड़ा जा रहा है, पकड़ो उसे जल्दी से। अब राजा के सैनिक उस कौए का पीछा करने लगे और जंगल में जा पहुंचे। थोड़ी देर बाद सैनिकों ने देखा कि कौए ने सोने का हार एक पेड़ के नीचे कहीं छिपा दिया है। सैनिक पीछा करते हुए पेड़ के पास गए और उन्होंने हार को खोजना शुरू किया, जहां उन्हें सांप का बिल दिखाई दिया। सैनिकों ने सोचा शायद उस कौए ने इसी बिल में सोने का हार छुपाया है, चलो इसी बिल को खोदते हैं। जैसे ही उन्होंने बिल को खोदना शुरू किया, वो दुष्ट सांप बाहर निकला और सैनिकों पर फुफकारने लगा। यह देखकर सभी सैनिक उस दुष्ट सांप पर टूट पड़े और सांप का वहीं पर काम तमाम कर डाला। इस प्रकार उस दुष्ट सांप को अपने किए की सजा मिल चुकी थी। अब कौआ और कोवी दोनों खुशी खुशी रहने लगे। बंदर और हाथी की मित्रता। बहुत समय पहले की बात है, एक गहरे जंगल में एक बंदर रहता था। वह बंदर बहुत ही खुशनुमा और खेलने में रुचिकर था। वह हर दिन उन्हीं बंदरों के साथ झूलता, खेलता और मस्ती करता रहता था। एक दिन बंदर की नजर एक बड़े हाथी पर पड़ी। वह हाथी बहुत बड़ा और भारी था, परंतु उसकी आंखों में देखकर बंदर को आंखों में आंखें डालने की ख्वाहिश हुई। बंदर ने सोचा, मैं उस हाथी के पास जाऊं और उससे मित्रता करूं। मैं उसके साथ भी झूल सकता हूं और खेल सकता हूं। इसलिए वह हाथी के पास गया और धीरे धीरे पास आते ही उसने हाथी के पैरों में कूद लिया। हाथी थोड़ी चौंकी, पर फिर बंदर के खेलने की खुशियों को देखकर वह भी हंसने लगा। उसने बंदर से पूछा, तुम मेरे पास क्यों आए हो बंदर? बंदर ने मुस्कराते हुए कहा, मैं आपके साथ मित्रता करना चाहता हूँ, क्या हम मित्र बन सकते हैं? हाथी खुश होकर बोला, बिल्कुल बंदर, मैं भी तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूँ। इसके बाद बंदर और हाथी एक दूसरे के साथ खेलने लगे। बंदर हाथी के कानों में झूलता और हाथी बंदर को अपनी पीठ पर उठाकर झूलने देता। उनकी मित्रता जंगल में खुशियों का सिलसिला बन गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी मित्रता हमारे आकार, भार या पैसे से नहीं, हमारे दिल से होती है। जादुई पेड़ और रिया की कहानी।
एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रिया रहती थी। रिया का सबसे पसंदीदा खेल खुद के गुब्बारों को उड़ाना था। वह हमेशा खुश और उत्साहित रहती थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान थी। एक दिन रिया को पास एक विशेष गुब्बारा मिला। यह गुब्बारा बहुत ही अद्भुत दिखता था, उसकी रंगीन परतों चमक रही थी। रिया ने उस गुब्बारे को उड़ान देने के लिए खास तरीके से तैयार किया। वह उसे ऊपर उड़ान देने के लिए उत्सुक थी। जैसे ही गुब्बारा आसमान में उड़ा, एक चमक उसमें समा गई। रिया थोड़ी देर तक हिली नहीं। तभी उसने देखा कि उसके गुब्बारे से बड़े बड़े फूल गिरने लगे और पेड़ों की पत्तियां बदलने लगी। रिया को यह सब बहुत हैरानी में डाल दिया। वह जल्दी से नीचे गिरी और देखा कि गुब्बारे से निकले जरा सा प्रकार की परतों वाले पेड़ के पास पहुंच गए हैं। वह पेड़ बहुत ही खास था, क्योंकि उसमें जादुई शक्तियां थीं। पेड़ ने रिया से बोला, धन्यवाद रिया, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। तुम मेरी शक्तियों का उपयोग कैसे करना चाहोगी? रिया ने ध्यान से सुना और फिर उसने पेड़ से प्रार्थना की कि उसे अपने गांव को बदलने की शक्ति दें। पेड़ ने रिया की प्रार्थना स्वीकार की और उसे जादुई शक्तियों का उपयोग सिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विशेष शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करके हम अपने और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। शेर और खरगोश की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक बड़ा सा शेर रहता था। वह शेर बड़ा ही डरावना और शक्तिशाली था और बाकी सभी जानवर उसके सामने डर से कांपते थे। वह जंगल में राजा की तरह राज करता था। एक दिन एक खरगोश उस जंगल में आया। वह खरगोश बहुत ही प्यारा और चालाक था। शेर के डर से भी वह अपने मकसद में पकड़े जाने से बच जाता था। खरगोश ने जल्दी से जंगल के अन्य जानवरों के साथ दोस्ती कर ली और उनसे बातें करने लगा। एक दिन खरगोश ने शेर की गहराई में जाकर उसे देखा। खरगोश की धार्मिक आदतें उसे अच्छी लगी और वह देखने लगा कि शेर भी बड़े ही अकेले हैं। खरगोश ने धीरे से शेर के पास जाकर उससे बात की, भयंकर शेर, आप तो बड़े ही शक्तिशाली हो, फिर भी आप इतने अकेले क्यों हैं? क्या आप मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहेंगे? शेर थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, तू सही कह रहा है, मुझे बिल्कुल अकेलेपन का एहसास हो रहा है। मुझे तेरी दोस्ती की आवश्यकता है। खरगोश ने शेर की दोस्ती की और उनकी मदद से उनके अकेलेपन को दूर किया। वे दोनों जंगल में साथ साथ खेलने लगे और एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में वे गहरी दोस्ती की मिसाल बन गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी के दिखावे के पीछे जाकर हमें उनके सच्चे स्वभाव को समझना चाहिए और अगर हम दिल से किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, तो हमें उनके साथी बनने की कोशिश करनी चाहिए। हाय गाइस, मेरा नाम यशवी है। आज मैं आपको एक बंदर और एक बकरी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बंदर होता है और एक बकरी होती है। तो जो बंदर होता है वो बहुत शैतान होता है और जो बकरी होती है वो बहुत अच्छी होती है। उसका जो मालकन होता है एक लड़का होता है, तो एक दिन वो बाहर जाता है तो जो बंदर होता है सामने एक टेबल होती है, तो उस पर एक टोकरी रखी होती है, उसके अंदर फ्रूट्स रखे होते हैं। तो उन वो अपनी रस्सी खोलता है और उन फ्रूट्स को खा लेता है।
उसका सारा छिड़के ना वो बकरी के सामने रख देता है और फिर जाता है वापस और फिर अपने रस्सी जो होती है वो वापस बांध देता है। फिर जब वो व्यक्ति आता है तो वो देखता है कि सारी जो भी टोकरी के फ्रूट्स होते हैं, टोकरी में जो रखे होते हैं, वो गायब होते हैं। तो जब वो देखता है कि छिलके बकरी के सामने रखे हैं तो उसे लगता है कि बकरी ने सारे फ्रूट्स खा लिए। फिर वो उसे डांट देता है कि बाद में ये जब मैं कल जाऊँ तो ये दोबारा ऐसा ना करे। फिर से वो जाता है कल अगले दिन जाता है तो जो बंदर होता है वो सामने टोकरी भरी होती है फ्रूट्सों से, तो उन सारे फ्रूट्स को ना वो खा लेता है और सारे छिलके उस बकरी के सामने रख देता है। फिर से वो आता है और उसे लगता है कि फिर से उस बकरी ने उन फ्रूट्स को खा लिया क्योंकि छिलके उसके सामने रखे हैं। ऐसे होते रहता है होते रहता है। एक दिन उसे लगता है कि उसे शक हो जाता है कि बंदर ये खा भी रहा है कि बकरी खा रही है, मुझे ये नहीं पता। पर बकरी के सामने छिड़के तो रहते हैं, मुझे लगता है कि ये बकरी खा रही है। पर जब ये मोटा हो रहा है ये बंदर और बकरी तो वैसे की वैसी ही है, तो हो सकता है कि शायद ये बंदर खा रहा हो, पर उसे समझ नहीं आता है। तो एक दिन संडे को वो एक प्लानिंग करता है और ना वो सबको अपने जानवरों को बाय करके जाता है, गेट खोलता है और बंद करता है, कर देखता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो बंदर अपनी रस्सी दोबारा से खोलता है और सारे टोकरी में जो रखे होते हैं फ्रूट्स वो खा लेता है, उसके बाद छिलके बकरी के सामने रख देता है। जब भी वो बंदर अपनी रस्सी बांधने जा रहा होता है तभी वो व्यक्ति आता है और उसे पकड़ लेता है और फिर उस बंदर को बहुत डांटता है कि वो ऐसा ना करे। तो उसके बाद फिर वो बंदर को अपने घर से निकाल देता है और बकरी की बहुत खातिरदारी करता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और दूसरों पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। जैसे बंदर ने बकरी पे लगाया पर वो एक दिन पकड़ा ही गया, हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो और आप भी पकड़े जाएं। तो ऐसा कभी मत करना। बाय एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। गाइस, मेरा नाम यशवी है, मैं आपको सुनाऊंगी प्यारी प्यारी कहानियाँ। एक किसान होता है, उसकी बेटी होती है। वो बाहर शहर में पढ़ने जाया करती थी। एक दिन वो आती है और अपने जानवरों से मिलती है। उसके पास एक बंदर, एक कुत्ता, एक गाय और एक चिड़िया होती है। तो वो सबको देखती है और उसे लगता है कि वो सब खुश नहीं है। तो वो अपने पापा को बताती है कि पापा वो खुश नहीं हैं, जो आपके जानवर हैं उन्हें लगता है कि कुछ अभी उन्हें कुछ चाहिए जिससे वो खुश हो। फिर उसके पापा बोलते हैं अभी तेरा तो दिमाग ख़राब है, तेरे को अभी कुछ पता नहीं क्योंकि तू तो अभी शहर में से आई है। तब वो सोचने लग जाती है कि मैं क्या करूँ। तभी उसे याद आता है कि जो गाँव है उसका, तो वहाँ पर एक बाबा हैं जिन्हें जानवरों की भाषा आती है, वो उन्हें बुला के लाती है और उन सब जानवरों से पूछवाती है कि वो खुश है कि नहीं। पहले वो व्यक्ति गाय बंदर के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम खुश हो, तो वो बोलता है कि नहीं मैं खुश बिल्कुल नहीं हूँ। तो वो बोलता है क्यों खुश नहीं हो, तो वो बोलता है कि मुझे नए खिलौने चाहिए, मेरे लिए कुछ झूला लगवा दें, कुछ रिंग्स, और मैं ना अभी पुराने खिलौने से खेल मैं बोर हो गया हूँ, मेरे को नई एक्टिविटीज़ करने के लिए, कुछ खेलने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। फिर वो व्यक्ति गाय के पास जाता है, उससे पूछता है क्या तुम खुश हो, तो गाय कहती है कि नहीं मैं खुश बिल्कुल नहीं हूँ। तो फिर वो व्यक्ति उससे पूछता है कि तुम खुश क्यों नहीं हो, तो गाय कहती है मेरे को एक खाना खा के मैं बोर हो गई हूँ, मेरे को कुछ खट्टा सा, कुछ क्रंची, मतलब कुछ नई नई खाने की चीज़ें चाहिए, मैं इसलिए परेशान हूँ, मुझे
मैं इसलिए खुश नहीं। तो फिर वो व्यक्ति कुत्ते के पास जाता है, उससे पूछता है क्या तुम खुश हो, तो वो बोलता है नहीं मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो फिर वो व्यक्ति दोबारा से पूछता है कि तुम खुश क्यों नहीं हो, वो कुत्ता कहता है कि क्योंकि मेरे मालिक तो मेरे साथ खेलते ही नहीं है, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, मेरे को अकेले ही रहने देते हैं, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। तो फिर वो व्यक्ति चिड़िया के पास जाता है, उससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो, तो चिड़िया कहती है मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो फिर वो व्यक्ति पूछता है कि तुम खुश क्यों नहीं हो, तो चिड़िया कहती है मैं इस पिंजरे में से आज़ाद होना चाहती हूँ, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं पिंजरे के अंदर कैद हूँ, इसलिए मेरे को ना आज़ाद होना है, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। फिर वो व्यक्ति सारी बात उस लड़की को बताता है और फिर वो लड़की सोचती है अपने पापा को बताती है कि बंदर को कुछ नई एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए, गाय को कुछ नया खाना चाहिए, कुत्ते को आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। और फिर चिड़िया के पास जाती है और उससे बोलती है क्या तुम कुछ और नहीं मांग सकती, ये तो बड़ी वो है, जैसे इन्होंने खेलने खाने और टाइम स्पेंड करने के लिए मांगा तुम भी ऐसा कुछ मांगो। तो चिड़िया कहती है नहीं मेरे को तो बस आज़ादी होना है। तो फिर वो अपने पापा से कहती है कि पापा, वो धीरे से प्यार से कहती है पापा जो चिड़िया है ना उसे ना आज़ाद होना है क्योंकि वो उसे ना आसमान में लंबी उड़ान भरनी है और वो ये कह रही है। तो फिर उसके पापा सोचते हैं और फिर वो चिड़िया के पास जाते हैं और उसका पिंजरे को खोलता है और चिड़िया को आज़ाद कर देता है, फिर वो चिड़िया आसमान में उड़ जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम इस धरती पे क्यों आए हैं, हम अपने प्रभु को ढूंढने और अच्छे कर्म करने आए हैं। थैंक यू। आपको मेरी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए, इससे मैं आपको और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊँ।